ओके, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। आपका आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में यू हैव टू कोर्सेज, ठीक है बच्चों। उसमें से जो पहला कोर्स है इन द फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स एल्गी फंजाई एंड आर्चिगोनियट्स, जिसका कोर्स कोड है पोटा 101। आज हम इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। माइक्रोब्स में आपका जस्ट इंट्रोडक्टरी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने प्लस वन टू में भी पढ़ लिया होगा, तो ठीक है, तो इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है एल्गी, थर्ड है फंजाई, एंड देन कम्स आर्चिगोनियट्स, एंड दिस कुड बी अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू पीपल, ठीक है बच्चों। आर्चिगोनियट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स और दोज मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी एज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एस विटेकर इन 1969, ठीक है बच्चों। आर्चिगोनियट्स मींस वो प्लांट्स जहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज एन आर्चिगोनियम, ठीक है बच्चों। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ आर्चिगोनियम, इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, इन टर्डोफाइट्स एंड इन जिम्नोस्पर्म्स, बट एबसेंट इन एंजियोस्पर्म्स। सो आर्चिगोनियट्स इंक्लूड स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ टर्डोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है बच्चों। तो आर्चिगोनियट्स में आपका थ्री डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स है। हाउएवर, हाँ, जिम्नोस्पर्म के केस में आर्चिगोनियम जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिल्कुल रिड्यूस्ड रहता है बच्चों, रिड्यूस्ड होता है, whereas it is more prominent in case of bryophytes or bryophytic group of plants, ठीक है बच्चों। तो मैं अगले स्लाइड पे जाता हूँ। जो ये पहला पेपर है आपका बायोडाइवर्सिटी, इसका जो स्टडी है ये तीन कंपोनेंट्स पे बेस्ड है बच्चों, है ना। पहला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकेंड है आपका या इसको हम बोल सकते हैं जनरल स्टडीज, ठीक है। जब कोई भी प्लांट ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ लेना अच्छी तरह से जरूरी होता है बच्चों, ठीक है, ताकि जो आगे के कंपोनेंट है जैसे टाइप स्टडी है बच्चों, ठीक है। तो टाइप स्टडी बिल्कुल आसान हो जाता है अगर हम जनरल फीचर्स उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, वन इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, सेकेंड वन इज टाइप स्टडी, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वो मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद में आप लोगों को एक एक करके बताता रहूंगा। तो जो फर्स्ट है जनरल टॉपिक में, जो जनरल कैरेक्टर्स में, पहला है आपका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इकोलॉजी इट्स अ ब्रॉड टर्म बच्चों, ठीक है, ब्रॉड टर्म। इकोलॉजी का मतलब होता है तो स्टडी एवरीथिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, है ना। चाहे वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो, ठीक है, एनवायरनमेंट का स्टडी हो, चाहे वो आपका द स्टडी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर असल में हम बायोटिक कंपोनेंट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इकोलॉजिकल स्टडी पे ज़्यादा कोई फोकस नहीं है। हाँ, जो मेन फोकस है दिस इज अबाउट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, एंड हियर इट इज एल्गी, नेचुरल होम ऑफ एल्गी ऑन दिस अर्थ, ठीक है। या सिंपली सेइंग हम बोल सकते हैं कि एल्गी धरती के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके बारे में हमारा फोकस रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इकोलॉजिकल स्टडी को ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडी दिस अ वास्ट स्टडी बच्चों, ठीक है। वास्ट स्टडी मीन इकोलॉजी आपका पूरा पेपर निकल सकता है, ठीक है, जबकि हमारा एक छोटा सा टॉपिक रही है। सो हमारा फोकस रहेगा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हैबिटेट को समझने से पहले आपको एक वर्ड जो शायद हो सकता है आपके लिए नया हो, या हो सकता है प्लस वन टू में पढ़ लिया हो आपने, दिस इज रिगार्डिंग बायोस्फीयर बच्चों। बायोस्फीयर क्या होता है कि पार्ट ऑफ अर्थ एज एन इकोसिस्टम, और वी कैन से दैट एक्सटेंट अप टू विच a living organism is distributed on this earth, ठीक है। और बायोस्फीयर हमारे पास तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में होते हैं बच्चों। वन इज लिथोस्फीयर, मीन्स धरती।
One is hydrosphere, means water, and one is atmosphere. ठीक है, तो बायोस्फीयर का मतलब होगा एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटमोस्फियर, इन हाइड्रोस्फियर एंड इन लिथोस्फियर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एल्गी, एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली, एल्गी आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन वाटर. वाटर मीन्स, इसका मतलब हो गया एल्गी प्रेजेंट है हाइड्रोस्फियर में. सम ऑफ द एल्गी हाउएवर, मेजोरिटी ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन वाटर, वाटर बॉडीज. इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे बच्चों. एंड सम आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, बट नन ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन एटमोस्फियर. अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया है जिसमें, कोई सत्यापन नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि एल्गी इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म मीन्स चाहे वो प्लांट बॉडी के फॉर्म में हो या आपका प्रोपेग्यूल्स के फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल से एसेक्सुअल स्पोर्स, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक एटमोस्फेयर से रिपोर्ट नहीं हुए हैं. ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एल्गी आर नॉन यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जो वर्ड यूबिक्विटस होता है बच्चों, यूबिक्विटस का मतलब होता है इफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन एवरी स्फीयर ऑन दिस अर्थ. इन एवरी स्फीयर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन. And because the algal members are not found in atmosphere, so we can simply say that algal members are non-ubiquitous in its distribution. ठीक है बच्चों, तो ये हम डिटेल में करेंगे. जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमारे पास टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हमारे पास स्पेशल हैबिटेट. बच्चों स्पेशल हैबिटेट मीन सम अनयूजुअल हैबिटेट्स, और स्पेशल हैबिटेट हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सम स्पेशल एक्वेटिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं आपका एक्वेटिक बॉडीज में जहां पर हमारे कुछ एल्गी पाए जाते हैं, और कुछ अनयूजुअल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कुछ एल्गी पाए जाते हैं. ठीक है, तो डिटेल हम लोग बाद में करेंगे बच्चों. ठीक है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वी फोकस ऑन थ्री पॉइंट्स, एक्वेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेरेस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम एक शब्द पर फोकस करेंगे, एंड दैट वर्ड इज, I have to annotate it. Okay. Thallus. ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया टर्म हो. Thallus का मतलब होता है the plant body. Okay. The plant body is said to be a thallus. ध्यान से सुनना मेरे बच्चों. Any plant body is said to be thallus if it does not have true root, true stem and true leaves. तो जो algal members है हमारे पास बच्चों, ठीक है, algal members में जो plant body organization होता है ये thalloid plant body organization होता है बच्चों. ठीक है, algae में कोई true root stem नहीं होता है, कोई root नहीं होता है और कोई leaf नहीं होता है. However, the structures looking like a root, stem or leaf may be present, but those are not true leaf, stem and leaves. ठीक, तो हम बोलेंगे सारे जितने भी एल्गी हैं इनका जो प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये थैलस के फॉर्म में होता है. ठीक है, एक और ग्रुप है हमारे पास ब्रायोफाइट्स. ठीक है, इनफैक्ट जो फंजाई हैं, एल्गी हैं और ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक थैलस के रूप में ही है बच्चों. ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो उस बेस पर हम लोग तीन हमारे पास अलग अलग तरह के थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे पहले है यूनिसेल्युलर थैलस फॉर्म्स और यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म्स, जहां पर जो प्लांट बॉडी है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सेल. ठीक है, तो सेकंड टाइप आता है हमारे पास एसेलुलर, डिटेल हम लोग बाद में करेंगे बच्चों. ठीक है, एसेलुलर फॉर्म्स है इन फॉर्म, दूसरे शब्दों में साइफोनेशियस और सिनोसिटिक फॉर्म्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, डिटेल अभी मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे हम सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो थर्ड टाइप है आपका, ये हमारे पास मल्टीसेलुलर एल्गल फॉर्म्स. Multicellular algal forms means the algal forms where the plant body, their body is made up of many cells. ठीक है, और ये भी आगे तीन किस्म के multicellular forms है हमारे पास. सबसे पहला रहेगा हमारे पास एक filamentous forms. ठीक है बच्चों, एक रहेगा हमारे पास colonial multicellular forms. ठीक है, और जो last है
which are considered the most advanced members in algal world. Okay, among all algae, that third type is considered to be most advanced, and it is called foliaceous forms. Foliaceous forms, FOLIACEOUS. Very sorry, this is my first chance, तो मैं उतना अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ. तो ये है बच्चों, जो हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उनमें हमारे पास तीन किस्म के थैलस बॉडीज हैं. हाँ, इनके डिफरेंट टाइप्स फिर आगे हैं, वो डिटेल हम लोग बाद में करेंगे. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर फॉर्म, सेकंड वन इज एसेलुलर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज मल्टीसेलुलर फॉर्म. ओके, नाउ आई हैव टू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अगला जो जनरल कैरेक्टर्स हैं बच्चों, ये इसमें पढ़ेंगे हम रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन, और ये भी ये आप लोगों ने प्लस वन टू में अच्छे से पढ़ लिया होगा बच्चों. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, और हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गल मेंबर. सेकंड टाइप इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेंज, और थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेंज. ठीक है बच्चों, ये हम डिटेल हम बाद में कर लेंगे, है ना. अब इसके बाद जो अगला है, हाँ, क्लासिफिकेशन. अगला जो जनरल टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है बच्चों, और क्लासिफिकेशन के लिए जो अब नीचे शब्द लिखे हुए हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स, इनको हम बोल सकते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस. आई हैव टू एनोटेट इट, एनोटेट इट. ओके, टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, ओके. अब क्लासिफिकेशन जो शब्द है, अपने आप में इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको मालूम है बच्चों कि जब हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी हैव टू स्टडी देयर कैरेक्टर्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, ठीक है, वी क्लासिफाई इट, वी नेम इट, एंड वी गिव इट अ फिक्स्ड पोजिशन इन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ठीक है, तो बच्चों जो हम लोग कैरेक्टर्स हम लोग लेते हैं, वो कैरेक्टर्स जिनके बेस पर हम लोगों ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है, यहां पर हम लोग एल्गी की बात कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स जिनके बेस पर हमने एल्गी को क्लासिफाई किया, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्गी को क्लासिफाई किया है, उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस. तो हियर देर आर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस विच हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल क्लासिफाइंग दीज एल्गल मेंबर्स. तो फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सेकेंड वन इज रिजर्व फूड मटीरियल, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग करेंगे. थर्ड वन इज सेल वॉल कंपोनेंट्स, फोर्थ वन इज फ्लैजिलेशन, फिफ्थ वन इज सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इनमें से जो ये रेस्ट फोर टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस हैं या कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम लोगों ने एल्गी को क्लासिफाई किया, हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. हमारा मेन फोकस रहेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर, कि भाई एल्गोलॉजिस्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या प्रेजेंट टाइप का, प्रेजेंट अभी के समय का जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, उसमें जो क्राइटेरिया लिया है, जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किया है एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए, उसमें मेन फोकस रखा इन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और हम लोगों को मालूम है बच्चों, जो किंगडम प्लांटी में जो एल्गल मेंबर्स हैं, जो एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड द ग्रुप विद मोस्ट डाइवर्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम्स. मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानकर ये बात जानकर हैरानी होगा. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डिफाइन एल्गी. ठीक है, तो एल्गी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है, लेकिन एक छोटा सा सेंटेंस अगर आप लोग बोल देते हो कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग मोस्ट डाइवर्स पिगमेंट सिस्टम, तो आगे समझने वाला समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है, ही और शी इज टॉकिंग अबाउट नन अदर देन एल्गी. ठीक है बच्चों, तो हम इस पे फोकस करेंगे कि इन्होंने क्या किया है, जो एल्गोलॉजिस्ट है, इन्होंने डिफरेंट पिगमेंट्स कि जिस एल्गी में जिस किस्म का पिगमेंट पाया जाता है, उस किस्म से, उस हिसाब से इन्होंने इनको क्लासिफाई किया है. और कौन कौन से पिगमेंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे, पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल है,
क्लोरोफिल्स है ना, जिनको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो एल्गल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, यहां पर क्लोरोफिल कुछ में क्लोरोफिल ए है, कुछ में बी है, कुछ में सी है, कुछ में क्लोरोफिल डी है, कुछ में क्लोरोफिल ई है। ठीक है बच्चों, तो इस बेस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। इसके अलावा फिर एक और पिगमेंट की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि जी सेकेंडरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना, और वी कैन कॉल देम एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड दीज आर कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स को भी हम लोग आगे दो तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वन इज कैरोटीन्स, कैरोटीन्स, एंड अनदर वन, ओके, अनदर वन इज ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लोरोफिल्स एंड डिफरेंट कैरोटीन्स एंड डिफरेंट ज़ैंथोफिल्स, द डिफरेंट एल्गी हैव बीन क्लासिफाइड। We have established a system of classification for algae. तो बाकी reserve food material है, इस बेस पर भी classification होता है, जैसे कईयों में reserve food material true starch होता है, for example class chlorophyce, जहां पर chlorophyll A और B रहता है, similar to higher plants. ठीक है बच्चों, एक ही हमारे पास algal class है जिसका नाम है class chlorophyce, यहाँ पर photosynthetic जो pigment है in the form of chlorophyll A and B both are present. ठीक है बच्चों, बाकी किसी भी एल्गल क्लास में क्लोरोफिल बी इज नॉट देयर। ठीक है बच्चों, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक रिजर्व फूड मटेरियल की बात है, कईयों में ट्रू स्टार्च बनता है, कईयों में मैनिटोल बनता है, कईयों में लेमिनेरिन बनता है, कईयों में सियानोफाइसियन स्टार्च बनता है, कईयों में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च बनता है, जैसे कि प्रोटोफाइसी के मेंबर्स में। ठीक है, तो उस हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन हम लोग, हमारे सिलेबस में ये नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। सेल वॉल कंपोनेंट्स को भी हम लोग एक बेसिस मान सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे जो एल्गल मेंबर्स हैं, है ना, हमको पता है प्लांट्स है, और प्लांट डू पोजेस सेल वॉल्स, तो सेल वॉल जिन केमिकल से बनता है वो भी डाइवर्स है बच्चों। ठीक है, इनमें से एक जो केमिकल है पॉलीसेकेराइड कॉल्ड सेल्युलोज, सेल्युलोज इज कॉमन, सेल्युलोज इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, बाकियों में कईयों में है पेक्टिन है, कईयों में काइटिन है, कईयों में एल्जिन है, ठीक है, कईयों में फ्यूसिन है, जैसे, ठीक है, जो कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, उनके बेस पर भी हम लोग एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर भी फोकस नहीं करेंगे। फिर तीसरा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन, और हमको पता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला, ठीक है, दो तरह के हैं, वन इज विप्लेश टाइप एंड वन इज टिनसेल टाइप फ्लैजेलम। ठीक है, या तो कई एल्गल मेंबर्स होंगे जहां पर सिर्फ विप्लेश टाइप फ्लैजेला होंगे, कुछ एल्गल मेंबर्स होंगे जहां पर सिर्फ टिनसेल टाइप फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, कुछ एल्गल मेंबर्स हो सकते हैं जहां पर दोनों तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको भी हम एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंस या एज कैरेक्टर लेते हैं फॉर क्लासिफाइंग एल्गी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको भी काट देते हैं। लास्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से एल्गी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों, आप लोग खुद भी शायद जज कर सकते हो, ओनली इंटू टू टाइप्स। वन टाइप इज प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, वन इज यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, तो अगला आएगा टाइप स्टडी। अब टाइप स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात पर फोकस करना चाहूंगा कि व्हाट इज अ टाइप। ठीक है बच्चों, टाइप, जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जब हम करते हैं उसमें ये टाइप शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हम क्या करते हैं बच्चों कि हम जब किसी प्लांट को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका क्लासिफाई किया है, जो उससे पहले का प्राइमरी स्टेप होता है बच्चों एक टैक्सोनॉमिस्ट के लिए, उसके लिए एक पहला काम होता है कि वो टैक्सोनॉमिस्ट फील्ड में विजिट करता है, वहां से स्पेसिमन कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको ड्राई करता है, प्रॉपरली प्रिजर्व करता है अलग अलग रूप में, या तो वेट प्रिजर्वेशन होगा, कहीं फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करेगा, या फिर एक हर्बेरियम शीट बनाता है बच्चों, है ना,
हर्बेरियम शीट बनाता है, ठीक है, और उस हर्बेरियम शीट के कैरेक्टर्स, क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्लांट्स को डॉक्यूमेंट करना होता है, बच्चों एक नाम देना होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्लासिफाई करना होता है, इसको नेमिंग करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्लांट का एक फिजिकल स्पेसिमन मौजूद रहना चाहिए बच्चों, और वो फिजिकल स्पेसिमन ज्यादातर जो है एक हर्बेरियम शीट के रूप में होता है बच्चों, जिसको माउंट बोर्ड भी बोलते हैं ना, ठीक है। और जब हम प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो स्पीशीज लेवल पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, ठीक है, स्पीशीज के रूप में, स्पीशीज SPECIES, तो इस स्पीशीज को हम बोल सकते हैं अ टाइप, ठीक है, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक हम स्पीशीज को मानते हैं ना बच्चों। लेकिन चूंकि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का स्टडी है तो हमारा मेन फोकस जीनसिस के ऊपर है बच्चों, जेनेरा के ऊपर है जीनस, ठीक है, तो इस जीनस के स्टडी को हम लोग ऐसा टाइप लेके चलेंगे, समझ आ गया बच्चों। जो हर्बेरियम शीट बना रहे हैं, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, तो हर्बेरियम जो शीट बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं टाइप स्पेसिमन, ठीक है, तो ये टाइप वर्ड वहीं से यूज किया गया है, हम इसको टाइप स्पेसिमन भी बोल सकते हैं या सिंपली टाइप बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमारा मेन फोकस ये है कि हाँ भाई ये टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब है जीनस, कि भाई गुरुजी अब आप ये बताओ कि हम कौन कौन से जीनस पढ़ने हैं हमने, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बता दूं हमारे पास ओनली देयर आर 5 जेनेरा बच्चों, 5 जीनस हैं, 5 जेनेरा हैं जिनका डिटेल हमने पढ़ना है, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो जो हाँ, और वो डिटेल में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन हर एक जीनस का बच्चों, ठीक है, अप टू जेनेरिक लेवल, फिर आएगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस डिटेल में बच्चों, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट थैलस के बारे में, थैलस का मॉर्फोलॉजी, और उसके साथ साथ एक सिंगल सेल का मॉर्फोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें दो तरह का स्टडी इंक्लूड होगा, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस एज वेल एज अ सेल, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हमारे पास लाइफ साइकिल, एंड लाइफ साइकिल इट इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्टिव फेजेस, चाहे वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हम 5 के 5 जेनेरा का ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर मॉर्फोलॉजी, हालांकि टाइप स्टडी में एनाटॉमी भी आता है बच्चों, पर मेजॉरिटी ऑफ द एल्गल मेंबर्स हैं, ठीक है, जहां पर देयर इज नो एनाटॉमी, एनाटॉमी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है बच्चों, जिसके पास लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट भी हो, ठीक है, जो कि सिर्फ एल्गी के अंदर जो फोलिएशियस फॉर्म्स मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लार्ज फोलिएशियस फॉर्म्स, वहीं पर ही इनका एनाटॉमिकल स्टडी पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, तो हम एनाटॉमी इसलिए नहीं लिया गया है, ठीक है, तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हर एक प्लांट का, हर एक एल्गी का, हर एक जीनस का क्लासिफिकेशन, उसका मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और उसका लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल में हमारे पास 3 चीजें आएंगी, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि भाई वो जीनस जो है वेजिटेटिवली किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वो जीनस एसेक्सुअली किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, और वो जीनस जो है सेक्सुअली किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ जेनेरा बता देता हूं, पहला जीनस है हमारे पास नोस्टॉक, ठीक है बच्चों, जो 5 जीनस है, इन 5 आप लोगों को एक टास्क देता हूं कि आगे के जितने भी लेक्चर चलेंगे बच्चों उसमें एग्जांपल्स हमारे पास आता है, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस में जेनेरा है आपके, उन जेनेरा को आपके एग्जाम्पल्स में फिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे मालूम है जो बच्चे अभी अभी ताजा ताजा स्कूल से आए हैं उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या है, to remember these botanical terms, the terminology is for me, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 10 नाम आप याद कर लेते हो आराम से, लेकिन जब ये नंबर इंक्रीज करता है तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट क्वाइट टफ, नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, देयर शुडंट बी अ वर्ड लाइक इम्पॉसिबल, इट बिकम्स मच टफ इफ यू डोंट प्रैक्टिस बच्चों, ठीक है, जब प्रैक्टिस करते हैं तब हमको बहुत याद हो जाता है, ठीक है, वी कैन काउंट 100 ऑफ players names whatever, you know, this
सिनेमा पीपल एटसेट्रा, ठीक है, बट वी हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स टू, ओके। तो ये बच्चों कम से कम जो पांच जेनरा है आपके पास जो मैं दूंगा अभी, ठीक है, ये याद रखना है, और ये टू विच क्लास दीज जेनरा बिलोंग, ये आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जब आगे का पढ़ाई कभी होता रहेगा मैं बताऊंगा ओके दिस बिलोंग टू सियानोफाइसी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये बोल क्या रहे हैं सर, हमको कभी पढ़ाया नहीं है। तो पांच जेनरा और इन पांच क्लासेस का नाम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये आप लोगों ने पूरा कर लेना है। फर्स्ट जीनस इज नोस्टॉक, इट बिलोंग्स टू सियानोफाइसी, जिसका प्रोकैरियोट है ना, कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए। सेकेंड वन इज अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी कॉल्ड उडोगोनियम। थर्ड वन इज अ मेंबर ऑफ क्लास ज़ैंथोफाइसी, जीनस इज वाउचीरिया। फोर्थ वन इज मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी एंड द जीनस इज एक्टोकार्पस। एंड लास्ट, ओ सॉरी, दिस इज नॉट मेंबर ऑफ सियानोफाइसी, सॉरी बच्चों, दिस इज नॉट मेंबर ऑफ क्लास सियानोफाइसी, ये मैंने कॉपी पेस्ट शेयर किया था, उस चक्कर में ये गड़बड़ हो गया। दिस इज नॉट, दिस इज अ मेंबर ऑफ रेड रेड एल्गी बच्चों, है ना, पुराने समय में टैक्सोनॉमिस्ट ने एल्गी को उनके कलर के बेस पर भी क्लासिफाई किया था, है ना, कि लाइक ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो ये रेड एल्गा है एक, है ना, इसका क्लास है हमारे पास, ये लिख लेना मेरे बच्चों, सॉरी टू, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग वर्ड, रोडोफाइसी, रोडो, दिस इज मेंबर ऑफ क्लास रोडोफाइसी, तो ठीक है बच्चों, तो ये पांच जेनरा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन हर एक जेनरा का, हर एक जीनस का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी करेंगे और इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में इसके रिप्रोडक्टिव फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो थर्ड कंपोनेंट है, लास्ट वन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पर मैं लेक्चर फिलहाल नहीं दूंगा, ठीक है, आप लोगों ने खुद कोशिश करना है बच्चों, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला टॉपिक आप लोगों ने खुद करना है, हो सकता है मैं ये आपको असाइनमेंट के भी रूप में भी दूं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी बात को हम समझ लेना जरूरी है बच्चों, कि व्हाट इज इकोनॉमिक दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, ठीक है। जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ये हो सकता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो, ये दोनों तरह से हो सकता है बच्चों, ठीक है, या नेगेटिव इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो, दोनों तरह से हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस वर्ड इकोनॉमिक, मींस इफ अ प्लांट इज इंपॉर्टेंट समहाउ, इंपॉर्टेंट चाहे वो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस हो चाहे वो नेगेटिव इंपॉर्टेंस है, इफ अ प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड एंड the organisms directly related to mankind, ठीक है, जैसे हमारे पालतू animals, animals plus plants, अब आप बोलोगे plants कौन से plants मेरे प्यारे बच्चों, हम ज्यादातर हम बोल सकते हैं कि हाँ cultivated plants, ठीक है। इफ एल्गी आर इंपॉर्टेंट फॉर, सॉरी ये टाइम भी खत्म होने वाला है मीटिंग का, आई हैव टू कंक्लूड इट फास्ट, ठीक है बच्चों, इफ एन अ प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड टू हिम, इट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, वेयर एज इफ अ प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, होल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम के लिए बच्चों, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे दिस प्लांट इज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट टू अस, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्लांट, ठीक है बच्चों। तो ये टाइम खत्म होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट 20 सेकंड बचा है, ठीक है, तो आई हैव टू एंड इट, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मेरा पहला, दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब, ये शायद मैं अपलोड कर दूंगा, दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब, दिस वुड बी माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना मुझे।
फीडबैक दे देना, ठीक, थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।